नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं दैनिक राशिफल 10 अगस्त के लिए। अब चलते हैं हमारी 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की ओर। मकर राशि, आपके लिए पहला कार्ड अपेयर हुआ है किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स का और दूसरा कार्ड अपेयर हुआ है नाइन ऑफ द पेंटिकल्स का। मकर राशि, ये जो दोनों कार्ड्स आए हैं इनका जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही डेडली और बहुत ही बढ़िया है। आज का जो दिन आपका है वो स्थायित्व में बीतेगा। आज आप अपने अंदर बहुत स्थिरता महसूस करेंगे और उस ठहराव को अगर आप सही ढंग से यूज कर पाए, अपनी नीतियों और अपनी योजनाओं को सही ढंग से लागू कर पाए, तो फ्यूचर में आपको उसका बहुत ही बेहतर और बढ़िया रिटर्न मिलेगा। वो जो रिटर्न आपको मिलेगा वो आपकी खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी दोनों को ही बढ़ाएगा, धन और वैभव दोनों में इजाफा करेगा और सम्मान में भी वृद्धि करेगा। तो आज के दिन स्थिरता से विचार करके ही कोई काम करें, बिना विचार किए हुए किसी भी काम में जल्दबाजी से कोई निर्णय ना लें। मकर राशि, आज के दिन आप ये एक ध्यान रखें कि आपको अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का सम्मान करना है, उनका अपमान नहीं करना है। अगर आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो भी आप उनको पलटकर जवाब देने से बचें और वहां से इग्नोर करके चुपचाप चले जाएं, उनको बिल्कुल भी नाराज ना करें, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। परिवार के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। आप हालांकि परिवार में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ऐसी ही वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश आज आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप या लव अफेयर में कर सकते हैं। धन के मामले में आज आप हालांकि उदार बने रहेंगे लेकिन फिर भी फिजूल खर्ची नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था आज का दैनिक राशिफल। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नमस्कार।